सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सअप के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्हाट्सअप स्टेटस की प्राइवेसी के बारे में। जैसे कि हम लोग अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति या जितने भी सिलेक्टेड नंबर ऑफ सिलेक्टेड पीपल हैं वो मेरा जो व्हाट्सअप स्टेटस है वो ना देख पाएँ। ठीक है, तो मैं किस तरह से सेटिंग कर सकता हूँ जिससे कि मैं जितने लोगों को सेलेक्ट करूँ अपने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट में वो लोग मेरा स्टेटस ना देख पाएँ और रिमेनिंग जितने भी लोग हैं वो देख पाएँ। ठीक है, तो आप किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और यहाँ पर रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ओपन कर लेता हूँ व्हाट्सअप को। व्हाट्सअप को मैंने ओपन कर लिया है तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चैट्स का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको कॉल्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्टेटस पर क्लिक कर देना है। स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर राइट में थ्री पॉइंट्स दिख रहे होंगे, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है स्टेटस प्राइवेसी, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी से रिगार्डिंग थ्री ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला माई कॉन्टैक्ट का, दूसरा माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, तीसरा ओनली शेयर विद। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। अब अगर आप कुछ लोगों से अपना जो व्हाट्सअप स्टेटस है उसको हाइड करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जो मिडिल वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि इन लोगों को मैंने यहाँ पर रेड कलर में टिक बना हुआ है, इसका मतलब है कि इन लोगों को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो जितने लोगों को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है उन लोगों को मेरा स्टेटस नहीं दिखेगा। ठीक है, बकाया जितने लोग हैं व्हाट्सअप पर उन सभी को मेरा स्टेटस दिखेगा। तो इस तरह से आप भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अक्षित दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ये इसके जस्ट सामने रेड कलर का हो गया। अब यहाँ पर अल्पेश है, अल्पेश के सामने मैंने कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर का हो गया है। ठीक है, तो जितने लोगों को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे उतने लोग यहाँ पर रेड कलर में दिखते जाएंगे। तो जितने लोगों को आप सेलेक्ट कर लेंगे उतने लोगों को आपको अपना व्हाट्सअप स्टेटस नहीं दिखेगा, और जितने भी रिमेनिंग लोग हैं उन लोगों को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों को अपना स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं, हो सकता है आप जिस कंपनी में काम करते हैं उन कंपनी वालों को अपना स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं, या फैमिली मेम्बर्स को स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं, या कुछ सेलेक्टेड पीपल्स को अपना स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको चेक का ऑप्शन दिख रहा होगा टिक का, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका सेव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको डन का ऑप्शन दिया और डन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आप जब भी यहाँ पर आप स्टेटस लगाएंगे तो वो आपका व्हाट्सअप स्टेटस व्हाट्सअप में सभी लोगों को दिखेगा, लेकिन जितने लोगों को आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है उन लोगों को आपका व्हाट्सअप स्टेटस नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपका अपना व्हाट्सअप स्टेटस को आप उन लोगों से हाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।